आ रहा है उसके ऊपर, तो बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। विश्वा फिर से पीछे जाते हुए थोड़ा और कवर में जाकर यहाँ पर लेट चुका है। सामने वहां पर जो वाशु है उसको लूसीफर ने क्लियर आउट कर चुका है। रोच दूसरी साइड से पहली फुर्सत में निकलने की कोशिश कर रहा है विदाउट टेकिंग अ फाइट, बहुत सही डिसीजन बोल सकते हो यहाँ पर। रोच ओहू फाइट लेना चाह रहा है क्या, नहीं सुबके भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर स्पॉट होता है इतना लंबा डिस्टेंस पे तो डाउन, कोई चांसेस ही नहीं उसको बचने का। लेकिन बहुत सही टाइम पे दूसरे साइड पे वो लोग एम करके रखाता है, इस साइड से वो निकल चुका है। मेगा वैक्सी को वहाँ पर नॉकआउट करते हैं। प्रधान उधर नेड सोल के पास बहुत सही पोजीशन है, ओएस यहाँ पर पुश कर चुका है। फिनेटिक स्पॉट सोल के ऊपर यहाँ पर पुश कर रहे हैं, देखते हैं फिनेटिक वैसे सोल क्या ही होता है। गाइस 10.5 केपेबल ऑफ वॉचिंग, जो कोशिश देखना है हिट द लाइक बटन, एंड अभी भी अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल। टॉस को यहाँ पर पड़ी थी, ओशन नॉकआउट कर चुका है। सांगवान थोड़ा बाहर है, सांगवान का पोजीशन यहाँ पर डेडली हो सकता है फिनेटिक के लिए। सांगवान जिस पोजीशन में होल्ड पे बैठा है, अगर कोई स्लैमिंग करता है वो इस पोजीशन से डैमेज दे सकता है, लेकिन क्या वो एज टीम ना देख के पुश करेगा? अगर ना देखे हमें पुश करता है सामने वाले घर पे, तो यहाँ पर डाउन हो सकता है। एंड वही यहाँ पर एश को डाउन करते हुए जो मैंने बोला था वही यहाँ पर हुआ, यहाँ पर एश को भी नॉकआउट कर चुका है। अभी सांगवान का पोजीशन रिवील है। एंड रौनक को पीछे देखिए, और ने नॉक किया क्या? नहीं आईडी, यस किसी और ने नॉक किया आईडी क्रेटोस, आईडी पीछे है। सांगवान का भी पता चल जाना चाहिए। फैनेटिक एश को क्लियर करते हैं, सोल वाइपर आईडी का स्क्वाड पीछे, आईडी का स्क्वाड स्लैमिंग कर रहा है। यस स्नैक्स यहाँ पर स्लैमिंग कर चुका है। वीएसजी क्रॉलर सांगवान इधर अकेले बचे हैं, ये क्रेटोस को डैमेज देने की कोशिश। फैनेटिक सोल वर्सेस आईडी, टॉप थ्री टीम्स अभी यहाँ पर फाइट लेते हुए। ट्रांसफॉर्मर जोन के बाहर ब्लीड आउट हो जाएगा, इधर एक नॉक को इधर रिवाइव दिया जाएगा। दैट इज वेरी टैटिक परितोष को वाइपर ने फिर से नॉकआउट कर चुका है। रौनक को इधर क्लियर आउट करते हुए, रोज को यहाँ पर क्लियर आउट बाई मॉर्टल। तो सोल का टीम इस मैच में किल्स निकाल रहे, नौ किल्स है उन लोगों के पास। वेस्ट बचे अपने टीम से लास्ट बंदा, मॉर्टल लेवल प्ले करने की कोशिश। फैनेटिक को सबसे ज्यादा मुश्किल पड़ा, दैट वॉज फ्रॉम सांगवान। सांगवान का पोजिशन बहुत सही था, बहुत सही था उस पोजिशन से जो वो धप्पा दिया अपने सामने वाले टीम को, अगर धप्पा ही बोल सकते हो जो खेलते हैं लुका छुपी अगर बोलोगे तो, एकदम बहुत सही था। कनेक्ट नहीं कर पाया सांगवान इस पोजीशन में, ओएस वहां पर दिया यहाँ पर डैमेज नहीं पहुंची, अभी भी कनेक्ट नहीं कर पाए। छोटा सा लोड इसके कारण ओएस यहाँ पर बचे हैं। एट लास्ट अभी भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, क्या ही गलत हो रहा है? सांगवान बोलेगा भाई क्या ही हो रहा है भाई, लेकिन वो छोटा रीच के कारण बचा है। फैनेटिक ओएस ने लिटरल 5 HP कर दिया था सांगवान को इस फाइट में, एंड यहाँ पर बच चुका है। आईएनडी का स्क्वाड पीछे है, अभी आईएनडी के ऊपर ध्यान देना चाहिए सोल को। सोल यहाँ पर पीछे आते